नमस्कार, मैं शेफ महेश शर्मा, स्वागत है आपका किचन फर्स्ट प्रोग्राम में। होली का त्यौहार आ गया है और हम सभी लोग होली में इतना व्यस्त हो जाते हैं और साथ में कुछ व्यंजनों के बारे में भी हम लोग हर बार कुछ ना कुछ सोचते हैं कि क्या नया चीज़ बनाएं। लेकिन इस बार मैं बनाने जा रहा हूं शेफ़ के साथ में अपनी ट्रेडिशनल गुजिया की रेसिपी। जी हाँ, गुजिया बनाना बहुत ही टेक्निकल है क्योंकि मैंने भी घर पे बनती हुई देखी है। लेकिन वाकई मानिए कि गुजिया बनाने के अंदर जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जो पुराने टाइम से जो लेडीज़ बनाती आई हैं, उसमें वाकई में इतनी फूली हुई गुजिया बनती है, अंदर स्टफिंग बहुत थोड़ी सी होती है और उसको जैसे बनाते हैं तो वो टेक्निकल रेसिपी है। तो शेफ, ये गुजिया जो बनाते हैं इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली? सूजी करेंगे सर। सूजी और मावा, घी, चिरौंजी दाने और चीनी। अच्छा, और इसके लिए जो आपने ये जो मैदा का आटा लगाया है शेफ, इसको कैसे लगाते हैं? इसको मतलब नॉर्मली आटा लगाते हैं और दूध के साथ इसको किया जाता है दूध के साथ में। और आई थिंक थोड़ा बहुत इसमें मोमन भी डालते हैं इसको सॉफ्टनेस और थोड़ी सी कुरकुरी करने के लिए, सॉफ्टनेस नहीं थोड़ी कुरकुरी करने के लिए थोड़ा सा इसमें घी डालते हैं। तो शेफ तैयारी करिए ये बनाने की इसकी। तो शेफ आप सबसे पहले क्या लेंगे सर? सबसे पहले अपन घी लेंगे, पैन में घी लेंगे, घी डाल दिया। घी मेल्ट होते ही इसके बाद में सूजी डाल देंगे, सूजी लेंगे, सूजी डाल रहे हैं शेफ, है ना? जी, सूजी डाल रहे हैं। इसको थोड़ा ब्राउन करेंगे शेफ। ब्राउन करेंगे। और यदि सूजी नहीं डालनी हो और शेफ खाली मावा डालना हो तो नहीं होएगा ना, क्योंकि मावा तो फिर मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, काफ़ी मीठा भी हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग खाली मावा डालते हैं लेकिन आई थिंक मावा पूरा इसके अंदर डालेंगे तो जब आप उसे फ्राई करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से पंचर होकर के और वो निकल जाएगा। ओके शेफ, ये ब्राउन हो चुका है, डालेंगे इसमें, डालेंगे चीनी, इसमें शेफ थोड़ी चीनी कम ही डालते हैं ना, ज्यादा नहीं डालते। मैंने अक्सर गुजिया खाई है तो बहुत ज्यादा मीठी नहीं होती है गुजिया। इसमें चिरौंजी डालेंगे, चिरौंजी दाने डालेंगे शेफ। आप चाहें तो इसमें और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, ब्रोकन काजू डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं। शेफ इसमें मावा जो है बंद करके डालेंगे ना? बंद करके ठंडा, थोड़ा सा ज़्यादा हीट नहीं रखनी है, गैस बंद करके इसे इस तरीके से। ये मावा डालेंगे, इसको मतलब मावे को पहले से पका के रखा था या कच्चा ही मावा था? कच्चा ही मावा था। और अब ये सूजी के साथ में आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब शेफ इसकी लोई बनाते हैं अपन, आप इसमें मिक्सचर रख दीजिए। ये तैयार है, इसको अपन प्लेट में निकाल लेंगे।
तो शेफ़ ये रेडी है, ये आपका आटा रेडी है, तो इसको बेलन से करना पड़ेगा शेफ़। तो इसमें शेफ़ ये मोल्ड्स आप बड़े सुंदर मोल्ड लाएँ, तो इसमें क्या ग्रीस करना पड़ेगा, घी लगाना पड़ेगा ना, आप लगाइए शेफ़। मैं इसकी लोई बनाता हूँ, इतनी बड़ी लोई ठीक है शेफ़? घी लगाने से गुजिया चिपकेगा नहीं, इसको निकालना आसान हो जाएगा। हमारे राजस्थान में गुजिया जो है हर बार त्यौहार, तीज त्यौहार, होली, बासोड़ा, इन सब में इसको ज़रूर बनाया जाता है। लीजिए शेफ, और बड़ी करूं? आई थिंक ठीक है। शेफ अब इसमें स्टफिंग डाल दीजिए आप, कितनी इतनी डाल दूं शेफ? एक ही तरफ डालूं? और अब इसको चिपकाने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए होगा शेफ आपको। तो ये जो गुजिया है बनाना टेक्निकली है, क्योंकि ध्यान रहे जब आप इसे बेल रहे हैं तो इसमें कोई होलो नहीं होना चाहिए। और इसकी साइड्स इस तरीके से एक बार में तोड़ लेते हैं अच्छे से। बहुत बढ़िया शेफ़ ने गुजिया जो है वो बनाई है, देखें कितने बढ़िया तरीके से इसे शेफ़ ने शेप दी है। अब एक मैं बनाता हूँ शेफ़, पानी लगाना है ना शेफ इसमें, और इसे फिर बहुत बढ़िया शेफ, मेरे से भी बन गई एक ही बार में। लीजिए और बनाइए आप, और मैं ये लास्ट और बना लेता हूँ। बहुत अच्छे से दबाते हैं शेफ इसको, अच्छा प्रेशर डालते हैं जिससे कि वो एकदम से उसकी जो साइड्स हैं वो अच्छे से चिपक जाए। और आई थिंक ये एक बार और फिर बढ़िया से तैयार हो गई है। शेफ आप देखें यार, इसमें सबसे बड़ी बात है कि फूल की जो डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं कि इसमें फूल की जो डिज़ाइन मोल्ड में है वो इसमें आ चुकी है। शेफ फ्राई करें इन्हें, ये एक जो लास्ट बची है ये मैं और ट्राई कर लेता हूँ। प्रैक्टिस मेक्स पर्सन्स परफेक्ट, तो एक बार और प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि इस बार होली पे घर पे भी बनाने का मौका मिलेगा। आप भी बनाइएगा, इस बार वाइफ को कहिए इस बार गुजिया मैं बनाऊँगा। और इसे हम स्लो आंच में पकाना चाहिए हमें,
फ्राई करते हुए ज़्यादा हीट पे ना रखें, इसका कलर ज़्यादा ब्राउन ना होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्राउन होने से अंदर की स्टफिंग भी बाहर निकल आएगी और ये काला पड़ने के बाद मैदा अच्छी नहीं लगती है। वाओ शेफ, ये तो लेडीज़ को भी मात कर दी है, जो गुजिया बनाई है, जो साइज़ आई है, जो कलर आया है, और कहीं से भी ये फटा नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि इतनी परफेक्ट शेप आई है। थोड़ा सा नैपकिन, पेपर नैपकिन ज़रूर लगाएंगे, जिससे कि जो ऑयल है वो उसमें से हट जाए। गुजिया बनके तैयार है। एक ही डायलॉग आ रहा है मेरे मन में, गुजिया खाओ होली मनाओ। तो ये है आज की स्पेशल रेसिपी, होली स्पेशल रेसिपी गुजिया, जो कि बनाई है शेफ ने अपने स्टाइल में और सिखाई है मुझे मेरे स्टाइल में, क्योंकि मैं सीखना वही पसंद करता हूँ जो ऑथेंटिक होता है, जिसमें कोई ना कोई ओरिजिनलिटी होती है। और शेफ ने वाकई में इतनी बढ़िया गुजिया बनाई है, देखिए कि देखते ही मन कर रहा है इसे खा लें। और शेफ, ये 2-3, 4-5 दिन रह सकती है ना गुजिया को रखने के लिए? 4-5 दिन रह सकती है गुजिया, आराम से रह सकती है, ख़राब भी नहीं होती है। तो ये थी अभी की एक स्पेशल रेसिपी गुजिया, जो कि बनाई है होली स्पेशल। शेफ़ ताराचंद से फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद और सीखेंगे एक नई रेसिपी।